कांग्रेस की अंदरूनी कलह थमने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस की अंदरूनी कलह अब भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सड़कों पर आ गई है। यात्रा के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के साथ जमकर धक्कामुक्की हुई है। राजेश ठाकुर के साथ हुई इस धक्कामुक्की और बदसलूकी का कारण विधायक इरफान अंसारी और जिलाध्यक्ष के समर्थक गुटों के बीच हुई झड़प को बताया जा रहा है। भारत जोड़ो यात्रा पुराना कोर्ट परिसर से शुरू हुई और यात्रा के दौरान हर चौराहे पर शहीदों की प्रतिमा पर माल्यार्पण होना था। माल्यार्पण के समय कांग्रेस कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। इसी दौरान यात्रा में विधायक इरफान पहुंचे और बवाल शुरू हो गया। इरफान के पहुंचते ही इरफान और जिलाध्यक्ष हरिमोहन मिश्रा के समर्थकों के बीच जोरदार झड़प हो गई। दोनों के समर्थक एक दूसरे के खिलाफ जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे और धक्का मुक्की करने लगे। विधायक के समर्थक इरफान अंसारी जिंदाबाद का नारा लगाते हुए एक और नारा लगा रहे थे कि हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। बता दें कि पार्टी ने जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी को कैश कांड के बाद पार्टी से निलंबित किया हुआ है और किसी भी पार्टी कार्यक्रम में शिरकत करने पर भी रोक लगी हुई है। जब भारत जोड़ो यात्रा चलती है तो निश्चित रूप से सभी तरह के लोग आते हैं और उसमें जब समागम होता है बड़ा, आप देखते हो कुंभ का मेला में कितने लोग हो जाते हैं और कभी कभी स्टैम्पेड। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।